नमस्कार, आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं गौरव सेनानी एकीकरण संबंध समिति की बैठक हुई फरीदपुर बरेली। आज वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं गौरव सेनानी एकीकरण संबंध समिति की बैठक विशालपुर रोड स्थित फौजी रेस्टोरेंट पर आयोजित किया गया। आइए देखते हैं क्या मामला है। गौरव पांडे की एक रिपोर्ट। पीसी शर्मा, ये जो आपने मीटिंग की है इसका क्या उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति, इनके जो फर्दर प्रोग्राम हैं उनकी जानकारी देना, लोगों का जो गरीब हैं, मजलूम हैं, सताए हुए हैं, उनकी आवाज़ सुनकर अब प्रशासन को अवगत कराना, उनके कार्य प्रणाली को मतलब हवा देना कि भाई हम जितने उनके सुख सुविधाओं को अच्छे स्तर पर पहुंचा सकें जितना हम लोगों से होता है करते हैं। और मेन उद्देश्य हमारा है भ्रष्टाचार निवारण, कि हम लोग जिस तरीके सेना में लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार होता है, मैं बोलता हूँ नहीं होता है। अगर एक सिपाही है उसको 2 करोड़ में भी आदमी खरीद ले, नहीं खरीद सकता। लेकिन ये जो मेन भ्रष्टाचार जो है, मैं ये सोचता हूँ इसी तरीके से हमारी देश की सेना सेना होती है, प्रदेश की सेना हमारी पुलिस है, पुलिस को भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जब पुलिस ये सोचेगी ये फॉर्चूनर गाड़ी से आए हैं, उसमें ये नहीं देखेंगे बैठने वाला कौन है, भूमाफिया है या ये अवैध कार्य करने वाला है, तो तब तक कल्याण नहीं होगा। जब साइकिल वाले को नहीं मिलेगा तो फॉर्चूनर वाले को सम्मान दिया जाए, ये काम पुलिस ही कर सकती है, रोक सकती है। तो इन चीज़ों को जब तक ये पुलिस नहीं, जब तक हमारी पुलिस अपना स्वच्छ दामन नहीं रखेगी, तब तक प्रदेश का या देश का कल्याण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अंदर से जितनी भी हैं वो भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा। अगर पुलिस अपनी तरफ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करती है तो दूसरे डिपार्टमेंटों की दम नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर जाए, क्योंकि जब जड़ी जो उसको रोकने वाला है वहाँ अगर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो देश के लिए बाकी खतरे का संकेत हो जाता है। अच्छा सर, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस प्रदेश में? मुझे तो जहाँ तक मैंने सभी प्रदेशों में देखा है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा भ्रष्टाचार मुझे कहीं नहीं लगा। कई जगह मैंने देखा है, लोगों काम भी कराए हैं, मैं गया भी हूँ वहाँ, मेरे ख्याल से पैसे का दाल में नमक की तरह हो, मेरे से तो किसी ने नहीं मांगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सेना को और अपने प्रशासन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऊपर से हो सकता है दामन साफ हो, लेकिन नीचे नीचे इतने कीड़े पड़े हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार पनपा हुआ है कि वो जनता की जो जड़ें हैं उनको खोखला कर दे रहा है। सर, आपकी जो ये समिति है, ये भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए किस तरीके से लड़ेगी, क्या आपका उद्देश्य है समिति? ऐसा है, हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं, हम लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत है, हम कहीं टोप लगा देंगे ऐसा नहीं, हम अपनी बात रखेंगे इंसानियत के तौर पे। और जब बात उठती है, बात जब खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका सोल्यूशन समाधान होता है। आप ये देखिए, मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी, कई लोगों ने एक एक करके आवाज़ उठाई, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। हो सकता है मैं अगर ये स्टेटमेंट देता हूँ, हो सकता है मुझे सफ़र करना पड़े, लेकिन आगे जनरेशन को अगर उसका फ़ायदा होता है तो वो मेरा संघर्ष नहीं, वो त्याग बन जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम लोग बढ़ते हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति हो, चाहे गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति हो, हम सब लोग एक हैं और हम लोग हैं भी आपस में सब एक ही। आप देख रहे हैं।